क्वेश्चन है हमारा ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 5:6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए जो बी की वैल्यू है वो 1 के साथ भी सेम रहे और सी के साथ भी सेम रहे, सेम अनुपात में रहे। तो इसके लिए हमें बी की एक कॉमन वैल्यू चाहिए और सी की भी एक हमें कॉमन वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक ए अनुपात बी तो हो जाएगा हमारे पास 1:2, इसी प्रकार बी अनुपात सी हो जाएगा हमारे पास 3:4, इसी प्रकार सी अनुपात डी हो जाएगा हमारे पास 5:6। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि ये वाला प्लॉट और ये वाला प्लॉट खाली है, ये वाला प्लॉट यहाँ खाली है, ये वाला प्लॉट भी खाली है और ये वाला प्लॉट भी खाली है, मतलब फ्रेंड्स इसे प्लॉट भी दिखाते हैं। अब फ्रेंड्स जो इस प्लॉट के साइड में है 2 और 2, इसी प्रकार इस प्लॉट के साइड में है 3 और इस प्लॉट के साइड में है 4, इसी प्रकार फ्रेंड्स इस प्लॉट के साइड में 5 और यहाँ लिखते हैं वापस 5, और फ्रेंड्स इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब हम देखते हैं 5 से 15 अनुपात, 5 से 15 दुआ 30 अनुपात, 5 को 20, 20 दुआ 40 अनुपात, 6 चौका 24 दुआ 48। इस प्रकार फ्रेंड्स जो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाता है, भी आ जाता है।